हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। टुडे इन पार्ट 3 वी विल लर्न चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। सो जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया आई थी एंड हाउ दे एक्सपांडेड देयर ट्रेड, और वो वहाँ जो इंग्लैंड से मतलब क्वीन एलिजाबेथ का जो चार्टर था उनका एग्रीमेंट लेके वो मतलब इंडिया में आए और उन्होंने फिर अपना जो ट्रेड था वो एकदम फैला दिया। फिर उन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया था, उन्होंने बंगाल में अपना जो ट्रेड था वो एकदम फिर से फैला दिया था। तो ये सब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था, और उसमें हमने पार्ट 2 में देखा था कि जो बैटल ऑफ प्लासी था वो हुआ था, ठीक है, वहाँ पर जो बंगाल के मुगल थे उनको हरा दिया था लॉर्ड क्लाइव द्वारा, और वहाँ पर ब्रिटेन ने मतलब विक्ट्री हासिल की थी बैटल ऑफ प्लासी में। सो ये सब था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। एंड नाउ टुडे वी विल लर्न कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नेबोब्स, मतलब जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनको नेबोब्स क्यों कहा जाता था, उसके बारे में ये है। सो यहाँ पर क्या था कि जो इंग्लैंड से जो ऑफिशियल्स मतलब यहाँ आते थे इंडिया में, तो उनके लिए ये वर्ड्स है जो नेबोब्स को यूज़ किया गया था। तो मतलब ये नहीं है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, इसमें यह है कि जो एक कंपनी थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, जो पहले इंडिया आई थी और उन्होंने इंडिया में आकर एक अपना एक पावर और अपनी एक अथॉरिटी यहाँ पर जमा ली थी, बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विज़न ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स, और हर एक कंपनी के जो सर्वेंट थे उनका एक विज़न था कि वो भी एक नवाब की तरह जिए। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ कि जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको तो सबको हम सबको पता है कि उनको मतलब बहुत सारे पैसे देने पड़े थे कंपनी को, बहुत सारे गिफ्ट देने पड़े थे कंपनी के ऑफिशियल्स को, ये सब बंगाल के नवाब को करना पड़ा था वो वॉर हारने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी। एक और चीज़ कि जो बैटल ऑफ प्लासी है तो वहाँ पर एक पेड़ है उसका नाम है प्लासा, तो ब्रिटेन को मतलब वो पेड़ का नाम बोलना नहीं आता था प्लासा, तो वो दे यूज़ टू प्रोनाउंस प्लासी, तो उसके लिए जो बैटल ऑफ प्लासी है उसका नाम पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी। ओके, नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, और जो रॉबर्ट क्लाइव है जिसने बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को हराया था, तो उसने मतलब इंडिया से बहुत सारे रुपये कमाए थे, ही मेड अ फॉर्चून इन इंडिया एंड ही हैड कम टू मद्रास, तो वो मद्रास आया था फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। वो अपनी 18 की एज में वो मतलब इंडिया आया था इंग्लैंड से, एंड वैन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, और जब उसने वो अपना इंडिया छोड़ा तो उसके पास जो वर्थ थी वो वर्थ थी पाउंड 401102। उस टाइम पर आप देखने जाओ तो लाखों खरबों रुपये वो यहाँ से इंडिया से लेके गया था। एंड वैन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, और जब उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था, मतलब बंगाल का गवर्नर 1764 में, तो उसको एक पावर दिया गया था कि जो भी करप्शन है कंपनी में जो भी करप्शन है उसको हटा देना है। एंड बाई 1772 ही हिमसेल्फ वॉज सस्पिशियस, मतलब 1772 में वो खुद एक करप्टेड डिक्लेयर किया गया था लॉर्ड ये रॉबर्ट क्लाइव, और उसके बाद उसको एक्यूट किया गया एंड इन 1774 ही कमिटेड सुसाइड। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव, मतलब जो भी दूसरे कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने मतलब ज़्यादा पैसे नहीं कमाए थे क्लाइव की तरह। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज एंड वॉर, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, मतलब कई लोग मतलब ये इंडिया में मर गए थे कई सारे डिजीज़ की वजह से, कुछ लोग जो वॉर की वजह से मर गए थे, लेकिन जो है वो मतलब कई लोग जो थे वो मतलब इतने करप्ट भी नहीं थे, उतने डिसऑनेस्ट भी नहीं थे, राइट, करप्ट एंड डिसऑनेस्ट भी नहीं थे। मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, और कई लोग जो थे वो मतलब अच्छे बैकग्राउंड से भी यहाँ आए थे जिनका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, एंड दे हैव अपर मोस्ट डिज़ायर, और उनका एक बहुत ही एक डिज़ायर था कि वो मतलब इंडिया आए और इंडिया से अच्छे खासे पैसे कमा के वो वापस ब्रिटेन चले जाए एंड देयर दे लिव अ कंफर्टेबल लाइफ।
सो दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ एंड फ्लैशली लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, मतलब जो भी इंडिया आते थे ब्रिटेन से, वो इंडिया से अच्छे खासे पैसे कमाकर वापस ब्रिटेन जाते थे, और ब्रिटेन में मतलब वो अपनी एक अच्छी सी कंफर्टेबल लाइफ जीते थे और अपने पैसे पे अच्छा सा रोफ जमाते थे, ठीक है, मतलब जो फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, और उसकी वजह से उन लोगों को नवाब्स कहा जाता था। एंड एंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, इसका मतलब जो है वो इंडियन वर्ड नवाब है, तो उसका इंग्लिश वर्जन उन्होंने दे दिया नवाब्स। एंड दे आर ऑफन सीन एज अपस्टार्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, और कई बार जो नवाब्स होते हैं उनका कई बार वहाँ पर अपमान किया जाता था, दे वर रिडिक्यूल्ड, और उनका मजाक उड़ाया जाता था, और उनका मतलब कोई प्लेस वगैरह बनाया जाता था, उनका कार्टून वगैरह वहाँ पर बनाया जाता था नवाब्स का। नेक्स्ट वी हैव कंपनी रूल एक्सपांड्स। कंपनी रूल एक्सपांड्स मीन वो लोग कंपनी को कैसे एक्सपांड करते थे। इफ़ वी एनालिस द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन मतलब किसी भी चीज़ को हड़पना, तो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने इंडिया में कई सारे स्टेट्स को एनेक्स कर दिया था, मतलब उन पर कब्जा कर लिया था, उनको हड़प लिया था। तो 1757 से 1857 तक, मतलब 100 साल तक उन्होंने मतलब जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कई सारे स्टेट्स को एनेक्स कर दिया था। और कंपनी जो है वो रेयरली किसी भी टेरिटरी पे अटैक करती थी, क्योंकि उनके पास कई सारे अलग अलग मेथड्स थे, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स थे जिनसे वो कोई भी स्टेट्स या कोई भी किंगडम को वो एनेक्स कर लेती थी। जैसे कि मान लो दो स्टेट है, वो दोनों स्टेट्स को मतलब आपस में लड़वाती थी, और जो भी मतलब इसमें से कमज़ोर होता तो वो इसके ऊपर एनेक्स कर लेती, उसको वो जीत लेते और वो किंगडम को उसके अंडर में ले लेते थे। सो ये था कंपनी रूल एक्सपांड्स। और दूसरा था कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, मतलब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, तो कंपनी ने जो है वो इंडियन स्टेट्स है वो उसमें अपने रेसिडेंट बिठाने शुरू कर दिए। रेसिडेंट मतलब एक तरह का पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट, जो मतलब जो भी राजा महाराजा होते हैं उनकी सारी बातें वो कंपनी को पहुंचाते थे। और थ्रू द रेसिडेंट्स ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स बिगन इंटरफेयरिंग, तो रेसिडेंट्स ने क्या किया कि कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनमें वो इंटरफेयरिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, एंड जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें उन्होंने दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। एंड दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर, और वो रेसिडेंट ही डिसाइड करता कि कौन सक्सेसर होगा एंड हु विल बी द थ्रोन, मतलब अगला राजा कौन बनेगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो किसको मिलेगी। एंड समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट्स टू इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, और कंपनी ने क्या किया फिर उसके बाद सब्सिडरी अलायंस लगा दिया था इंडिया में। सो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म। तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में शायद आ भी सकता है, तो जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ अलायंस, इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज, मतलब इंडियन को जो भी राजा महाराजा है उनको मतलब अपने आर्म फोर्सेस रखने को वो अलाउ नहीं थे, वो अपने आम खुद के आर्म फोर्सेस नहीं रख सकते थे। दे वेयर टू प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और जो कंपनी है तो कंपनी की फोर्स उनका प्रोटेक्शन करेगी किंग का, ठीक है, मतलब वो लोग खुद सप्लाई करेंगे किंग को अपनी आर्मी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। और मतलब राजा को ही जो फोर्सेज है उनको पैसे देने होते थे, उनका खर्चा उठाना रहता था, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी किंग, जो भी किंग या किंगडम है उनको, तो वो मतलब बहुत लॉस में जा रहे थे राजा महाराजा। एंड इफ़ द रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, और अगर कोई भी राजा वो पेमेंट देने में फेल हो गया, देन द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो उसके बाद अगर मान लो कोई राजा फेल हो जाता है तो उनकी जो टेरिटरी है वो पेनल्टी के तौर पर उनको हड़प ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल वेन रिचर्ड वेलेसली वॉज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 टू 1805, तो रिचर्ड वेलेसली एक गवर्नर था, गवर्नर जनरल, तो उसने क्या किया, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव, तो नवाब ऑफ अवध थे उनकी पूरी टेरिटरी उन्होंने एनेक्स कर ली थी, पूरी आधी से भी ज़्यादा उन्होंने पूरी जो टेरिटरी थी वो एनेक्स कर ली थी 1801 में, एज ही फेल्ड
टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि उसने जो सब्सिडरी फोर्सेस थे उसको वो पे करना भूल गए थे या चुक गए थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सेडी टेरिटरीज ऑफ सम ग्राउंड, इसी तरह हैदराबाद को भी पूरा टेरिटरी में मतलब वो जो था वो उसको सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से उसको एनेक्स कर लिया गया था। नेक्स्ट इज टिपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। ये जो फोटो है वो टिपू सुल्तान का है और टिपू सुल्तान को हम द टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रोनेशन, मतलब कंपनी को एक थ्रेट लगा रहता था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से कि उन पर कोई डायरेक्ट अटैक ना कर दे, तो कंपनी क्या करती थी उन पर पहले से ही अटैक कर देती थी। एंड दिस कैन बी इलस्ट्रेट विद केस ऑफ साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर, और ऐसा ही एक केस हमें देखने को मिला था मैसूर में जो साउदर्न की साइड पड़ता है। सो मैसूर हैड ग्रोन इंस्टेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, तो कंपनी में मैसूर में उस टाइम पे जो रूल करने वाले जो रूलर थे पावरफुल रूलर थे उनका नाम था हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 तक वहाँ पर रूल किया। एंड हिज फेमस सन, और उनके सन थे टिपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से 1799 तक वहाँ पर रूल्स किया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डमम, मतलब वहाँ पर जो है मैसूर में वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा था, एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा था मलाबार कोस्ट पे, जो कर्नाटक के में कर्नाटक के आसपास है मलाबार कोस्ट, और कंपनी जो है वो वहाँ से मतलब पेपर मतलब काली मिर्च और कार्डामम मतलब इलायची है थी वो उनको खरीदती थी। एंड इन 1785 टिपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डामम, तो टिपू सुल्तान ने 1785 में ये सारी चीज़ें जो थी वो मतलब एक्सपोर्ट करना बंद कर दी थी कंपनी को, एंड वहाँ पे जो लोकल मर्चेंट्स थे फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी उनको भी मतलब मना कर दिया था ये सब एक्सपोर्ट करने को। एंड वी कैन ऑल्सो सॉरी ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच इन इंडिया, और जो टिपू सुल्तान है उन्होंने मतलब फ्रेंच के साथ अच्छी सी रिलेशनशिप बना दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो अपनी आर्मी थी उसको एकदम मॉडर्नाइज बना दिया था विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। एंड द ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस, तो ब्रिटिश जो थे वो एकदम घबरा गए थे। एंड दे सॉ हैदर एंड टिपू एज एम्बिशियस एरोगेंट एंड डेंजरस, उन्होंने देखा कि जो हैदर और टिपू है वो एकदम एम्बिशियस है एकदम एरोगेंट है, उनके लिए एकदम खतरा जैसे है ये दोनों। सो रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड, और उन्होंने सोच लिया कि अब उनको तो मतलब हराना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर मैसूर और ब्रिटिश के बीच में चार वॉर हुए 1767 से लेकर 1799 तक। सो ओनली इन द लास्ट, मतलब जो वॉर था उसमें जो सबसे लास्ट वॉर हुआ बैटल ऑफ सेरिंगपत्तम, वहाँ पर जो मैसूर था उन्होंने वहाँ पर मतलब हार गया था वॉर में। एंड डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, और उसके बाद जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने वो वॉर जीत लिया था। टिपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपत्तनम, सो जो टिपू सुल्तान है वो अपने ही कैपिटल में सेरिंगपत्तनम में ही हार गए थे। एंड मैसूर वॉज प्लेस अंडर द फॉर्मिंग रूलर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स, तो मैसूर में जो पहले हैदर अली और टिपू सुल्तान के पहले जो रूलर थे वोडियार्स, उनको फिर से वापस मैसूर में बिठा दिया गया और उनको वहाँ पर रूल करना दे दिया गया। ये जो पिक्चर है वो टिपू सुल्तान ने बनवाई थी, जहाँ पर ये जो टाइगर है वो एक इंडियन है और नीचे जो आप दिख रहे हो वो एक ब्रिटिशर्स है, जहाँ पे जो ये टाइगर वो ब्रिटिशर्स को खा रहा है। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो इसमें ये जो टिपू सुल्तान है वो अपने दोनों बच्चों को हॉस्टेज की तरह मतलब हॉस्टेज के रूप में दे रहा होता है कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस जो है वो कौन था कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आया था उसने उसको फॉलो करवाया था। सो द कंपनी फोर्सेज वेर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टिपू सुल्तान इन सेवरल टाइम, तो टिपू सुल्तान और हैदर अली ने कंपनी को कई बार बैटल्स में हराए थे। बट इन 1792 अटैक बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मराठास निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी, और 1792 में हमारे ही लोगों ने जैसे कि मराठास है ठीक है मराठास है निज़ाम ऑफ हैदराबाद है ये कंपनी है तीनों ने मिलकर टिपू सुल्तान पर अटैक किया और उसके बाद उनके दोनों बच्चों को हॉस्टेज की तरह उनको दे दिया गया कॉर्नवालिस को। एंड ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक पेंटिंग सिंस दैट शोड द ट्रिम्प ऑफ ब्रिटिश पावर, और ये एक पेंटिंग है जो उस टाइम पे बनाई गई थी ब्रिटिश रूल्स पे, ब्रिटिश पावर था तब। सो नाउ इज़ वॉर विद मराठास। सो 18th सेंचुरी में
कंपनी ने सोचा कि अब उन्हें मराठास को हराना पड़ेगा, क्योंकि मराठा ने कंपनी के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था और उनका जो पावर था मराठास का वो और बढ़ गया था। सो विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, सो मराठा उनके बीच एक बैटल हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जहाँ पर मराठा को दिल्ली पे रूल करना था, लेकिन उनका जो ड्रीम था दिल्ली पे रूल करना वो एकदम चूर हो गया था। वो मतलब वहाँ पर रूल नहीं कर सकते थे। इट वॉज सेटल्ड एंड दे वर डिवाइडेड इंटू मेनी स्टेट्स, और उसके बाद वो अलग अलग स्टेट में बढ़ गए, और जो चीफ होते थे उनकी अलग अलग डायनास्टीज हो गई थी, जैसे कि सिंधिया हो गए, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, एंड द चीफ वेयर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा, और जो भी मतलब होता था वो जो भी कामकाज उनका होता था वो एक पेशवा के अंडर में होता था, और जो पेशवा है वो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर की तरह होता था। उसके पास सारे इफेक्टिव मिलिट्री होते थे, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे जो पूना में था। उसके बाद महदजी सिंधिया एंड नाना फंडीस वेर टू फेमस मराठा सोल्जर्स, और उस टाइम पे महदजी सिंधिया एंड नाना फंडीस वो दो बड़े फेमस सोल्जर्स थे मराठास के 18th सेंचुरी में। द मराठास वेर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर, तो मराठास और ब्रिटिश के बीच कई सारे वॉर हुए थे, सीरीज ऑफ वॉर, एंड इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सरबाई। सो 1782 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो फर्स्ट वॉर हुआ था, तो उसमें ट्रीटी ऑफ सरबाई के तहत ये वॉर ख़त्म हुआ था, और यहाँ पे देर वॉज नो क्लियर विक्टर, मतलब ये वॉर कौन जीता था कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ था। एंड द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो 1803 से 1805 तक चला था अलग अलग जगहों पर, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओरिसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, जिसमें जो ब्रिटिश है उन्होंने ओरिसा को अपने कब्जे में ले लिया था, और उसके बाद नॉर्थ ऑफ द यमुना मतलब यमुना नदी के पास जो आगरा और दिल्ली था उसको भी अपने टेरिटरीज में ले लिया था। एंड फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19 क्रश्ड मराठा पावर, और उसके बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसमें जो मराठा के पावर थे वो एकदम क्रश हो गए थे, मराठा जो था एकदम वो अपना पावर जो थे वो लॉस कर चुके थे। एंड द पेशवा वॉज रिमूव एंड सेंट अवे टू बितूर नियर कानपुर, और उसके बाद जो पेशवास थे उनको बितूर भेज दिया गया था जो कानपुर के पास है, और उनको पेंशन पे वहाँ पर रखा गया था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज, और उसके बाद कंपनी ने मतलब पूरा जो कंट्रोल था वो अपना पूरा टेरिटरीज वहाँ पर जमा लिया था, पूरा साउदर्न वेस्ट ऑफ द विंध्यास, जो अभी विंध्यास जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो वो पूरा एरियाज जो था वो कंपनी ने अपने टेरिटरीज में ले लिया था। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ऑफ द कंपनी परस्यूड एन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो ये क्लियर हो गया था कि 19th सेंचुरी में कंपनी ने जो है वो अपना जो टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन था वो एकदम बढ़ा दिया था, एंड अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक, उन्होंने एक पॉलिसी इनिशिएट करी जिसका नाम था पैरामाउंटसी। जो ये कंपनी कहती थी कि जो ये पैरामाउंटसी है वो इंडियन स्टेट से ऊपर है, जो एकदम सबसे सुप्रीम है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, इनका पावर जो है वो इंडियन स्टेट से भी बड़ा है। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सेसिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। तो ये कहते थे कि ये जो पैरामाउंटसी है जिससे हम किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स कर सकते हैं उनको डरा के या धमका के भी, तो वो मतलब उनके किंगडम को हड़प सकते हैं। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज, मतलब ये तो था नहीं कि कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा, कई लोगों ने उसका चैलेंज किया, जिसमें एक एग्जाम्पल है व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर, तो ब्रिटिश ने छोटा सा स्मॉल स्टेट है कितूर जो कर्नाटक में पड़ता था, जिसमें रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो वहाँ पर एक रानी थी चन्नम्मा करके जिन्होंने वो आर्म्स में आ गई और उन्होंने एंटी ब्रिटिश ये मोर्चा जो रेजिस्टेंस मूवमेंट में आ गई, एंड सी वॉज अरेस्टेड इन 1824, जिनको 1824 में अरेस्ट कर दिया गया और प्रिजन में उनकी मौत हो गई 1829 में। लेकिन उसके बाद रायन्ना करके एक है जो एक चौकीदार था गरीब ऑफ सांगोली इन कितूर, सांगोली में कितूर में वो एक चौकीदार था, कैरिड ऑन दिस रेजिस्टेंस, जिन्होंने ये रेजिस्टेंस शुरू रखा एंड विथ पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन उनको कई सारे सपोर्ट्स थे एंड ही डिस्ट्रॉयड मेनी कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारे ब्रिटिश के कैंप्स थे जो रिकॉर्ड्स थे उनके वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड ही वॉज कॉट एंड हंग बाई द ब्रिटिश इन 1830, एंड उनको 1830 में ब्रिटिश के द्वारा उनको हैंग कर दिया गया, उनको मार दिया गया था, जिसके बारे में हम अभी आगे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडियन कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनको मतलब रसिया से बहुत एक डर लगा रहता था, क्योंकि जो उस टाइम पे जो रसिया वो एकदम बड़ा फैलता जा रहा था, अलग अलग राज्यों पे अपना रूल जमा रहा था। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डर लगा रहता था, इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एशिया। तो कंपनी को डर था कि कहीं जो ये रसिया वो एशिया में ना आ जाए, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से। नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब ये आपका जो पंजाब है, राजस्थान है, पाकिस्तान है, वहाँ से वो इंडिया में नहीं आ जाए। सो ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो इसीलिए जो ब्रिटिश है उनको बड़ा सा डर लगा रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वॉर कर दी अफगानिस्तान में 1838 और 1842 में, और वहाँ पर उन्होंने अपनी इनडायरेक्ट कंपनी वहाँ पर जमा दी, अपना वहाँ पर एक रूल कर दिया अफगानिस्तान में। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, उन्होंने फिर सिंध को भी अपने अंडर ले लिया। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, उसके बाद पंजाब की बारी थी। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक इन द कंपनी, मतलब जो महाराजा रणजीत सिंह थे जिससे उनको बहुत डर लगा रहता था, लेकिन उसके बाद 1839 में उन्होंने मतलब पंजाब पे हमला कर दिया। टू प्रोलॉन्ग वॉर वेज फॉट विद द सिख्स, और उसके बाद दो वॉर हुए सिख के सामने, जिसमें 1849 में उन्होंने पंजाब पे अपना एनेक्स जमा दिया था, उन्होंने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था। देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डेलाउजी, हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। मतलब फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन आया, जिसको लाया गया लॉर्ड डेलहाउजी द्वारा, जो एक गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक। एंड ही डिवाइज द पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और जो ये लॉर्ड डेलहाउजी जो पॉलिसी लाए थे, वो पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये द डॉक्ट्रिन लैप्स डिक्लेयर दैट इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज किंगडम वुड लैप्स। मतलब ये पॉलिसी में ये था कि मान लो अगर कोई भी इंडियन रूलर है जिसका कोई मेल हेयर नहीं है, जिसका कोई मेल बच्चा नहीं है, जिसका कोई मतलब बायोलॉजिकल सन नहीं है, उसका जो किंगडम है वो लैप्स कर दिया जाएगा, मतलब उसका जो किंगडम है उसको हड़प लिया जाएगा। बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरेटरी एंड वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाई अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। उस जो जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आएगा, उसके बाद कई सारे किंगडम्स जो है वो एनेक्स कर दिए गए। और जो सबसे पहले किंगडम था जो एनेक्स हुआ वो था सतारा 1848 में। उसके बाद कई सारे किंगडम्स एनेक्स हुए, जैसे कि संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। झांसी तो हम सब जानते ही हैं। एंड फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टूक ओवर अवध। और 1856 में कंपनी ने अवध को भी एनेक्स कर दिया। एंड दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। और उस टाइम पे जब अवध को एनेक्स किया, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया कि दे वेर ओब्लाइज बाय ड्यूटी, मतलब वो अपनी ड्यूटी पे ओब्लाइज हैं, क्योंकि जो अवध है वो जो उनकी पब्लिक है उनके साथ कई तरह के मतलब मिस गवर्नमेंट की तरह मतलब बिहेव कर रहे थे, उन पर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे, ये सब न वो सब। एंड लास्टली 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ, जिसके बारे में हम आगे ये चैप्टर में पढ़ेंगे।